साथियों, ये जो अग्निपथ स्कीम है, सिनेमा अग्निपथ लोग देखा होगा, रात को सोचा होगा, सवेरे कमांडर्स को बुलाया होगा और कहा होगा कि लिख रख दो नाम अग्निपथ। केंद्र सरकार की ओर से सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना के खिलाफ जारी विरोध अभी थमता नजर नहीं आ रहा है। प्रदर्शनकारियों के साथ राजनीतिक दल भी खुलकर विरोध में उतर आए हैं। पलामू जिले में भी अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस के पूर्व मंत्री के अध्यक्षता में कांग्रेस के जिला कमेटी कचहरी परिसर में सत्याग्रह कर रहे धरने पर बैठे पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी का कहना है कि केंद्र सरकार एक मुद्दा लेकर पूरे देश को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। देश की सुरक्षा के साथ हम केंद्र सरकार के खिलवाड़ करने नहीं देंगे। केंद्र सरकार अग्निपथ योजना को या तो बदलाव करे या इसे हटाए। पहले 15 लाख लोगों को देने का प्रलोभन दिया गया, फिर अभी 11 लाख दे रहे हैं। हमारे देश की जनता को भ्रमित कर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ केंद्र सरकार कर दिए, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज कोई यह न सोचे कि कोई एक मुद्दा लेकर के कोई भ्रमित कर दिया हो थोड़े समय के लिए, तो आजीवन जब तक भर्ती है तब तक भ्रमित करके रखेगा, अपने सोच से पूरे देश को गुलाम बनाकर रखेगा। ऐसा कोई ना सोचे भारत में। भारत देश बहुलतावादी देश है, यहाँ एक से एक लोग भरे पड़े हैं। साथियों, ये जो अग्निपथ स्कीम है, सिनेमा अग्निपथ लोग देखा होगा, रात को सोचा होगा, सवेरे कमांडर्स को बुलाया होगा और कहा होगा कि लिख रख दो नाम अग्निपथ।